तो मैं इस चीज़ को फील करने के लिए यहाँ पे मैंने कबूतर रखे हैं बेसिकली, यहाँ पे बैठ के दूर अपने कबूतरों को एंजॉय करना वो देखें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं, मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और कबूतर मैंने खोले हुए हैं। और कबूतर खोल के यहाँ पे बैठ के बस सुकून से यही चीज़ मैं मतलब करना चाहता था, और इसी के लिए मैंने कबूतरों को यहाँ पे अपने इस छत पे लाया है। बाकी उड़ाने का जो है वो वहीं से होगा, उड़ाने का शौक़ तो मुझे बहुत है, लेकिन इश्यूज़ आते हैं टाइम के। टाइम बहुत कम होता है मेरे लिए, मेरे पास, तो जिस वजह से मैं जो है कबूतरों को इतना ज़्यादा प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो मैंने सोचा चलो 5-7 जोड़े जो हैं यहाँ पे रख के तो अपना उनको काट के या जैसे भी है उनको यहाँ रख के खुले में थोड़ा बहुत उनको चलते फिरते देख के अपनी जो है थकान वगैरह दूर हो जाए। तो फिलहाल मैंने जो है एक वीडियो जो है अपना जो कबूतर मैंने कल लाया भाई साहब ने, बेसिकली जग्गा डाकू जीरा कबूतर है, काला जीरा कबूतर है, उसका नाम डाला हुआ जग्गा डाकू, जग्गा पहलवान। उड़ता नहीं है लेकिन ब्रीड अच्छी करता है, ये उसकी खासियत है। तो भाई के दोस्त के पास भी वहाँ पे ब्रीड करके आया, वहाँ पे भी उसने अच्छे उड़ने वाले बच्चे निकलवाए हैं। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है और वो वीडियो जो है आप वीडियो देखिएगा जाके, डिफरेंट वीडियो होगी वो। तो फिलहाल मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पे जो कबूतर हैं जो बाहर फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। लेकिन ये शौक एक ऐसा है जहाँ से आपको ये शौक बेसिकली आपको ना काइंड ऑफ कह सकता हूँ टेंशन फ्री कर देता है। अगर आप इस परिंदे को देखें ना, टेंशन फ्री कर देता है। हाँ, टेंशन में भी डाल देता है जब कबूतर ऊपर से वापस नहीं आता या बाजबेरी ले जाए, बीमारी पड़ जाए कुछ इस तरह से, तो टेंशन में भी डाल देता है। लेकिन ये है कि बिज़ी रखता है आपको, आपके माइंड में और चीज़ें जो होती हैं बाहर की दुनियादारी की टेंशन है वो नहीं आने देता। तो यहाँ मैं बैठ के चाय का कप पी रहा था, तो आप लोग भी मेरे साथ चाय इंजॉय करें। तो चले मैं आपसे कबूतरों को दिखाता हूँ, साइड पे भी दिखाने लायक है कुछ है नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वीडियोस के थ्रू हम अपने मैसेजेस के थ्रू जो है अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं। यार ये शौक बुरा भी है और बुरा नहीं भी है। बुरा तब है जब आप कोई काम ना करें और अब लगे रहें जी इन्हीं के चक्कर में। तो काफ़ी कुछ नुकसान मैंने भी झेले हैं इस चक्कर में। तो बाकी वीडियो आगे देखिए ज़रा, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ और भी। चले जी, जग्गा डाकू मैंने खोला है और जग्गा डाकू ये अड्डे पे जाके बैठ गया और उसकी मादी के साथ उसको बाहर छोड़ा था मैंने। तो मैंने सोचा चलो ये कोई नहीं कर्तव्य करेगा, ये देखें आ गया जी नीचे, आ गया नीचे, आ गया नीचे, ये देखें मादी के साथ इसके, देखते हैं क्या करता है, ये रंग ढंग चेक करें, ये मादी है इसकी। और मेरे ख्याल से ये जोड़ा इनका पहले भी था, तभी इसने बड़ी जल्दी इसके साथ लगा लिया जोड़ा। ये देखें ज़रा जोड़ा जग्गा डाकू, ये देखें, तो ये देखें कबूतर फुल मूड में है, मादी को मैंने बांधा हुआ है। और मुझे लगता है मैं सारे जोड़े ही इस तरह से ही करूँगा, मादियाँ बांध दूँगा और नर जो पारदार हैं उनको मैं उनको खोल दिया करूँगा जैसे जोड़े पक्के हो जाया करेंगे। तो इनका आहिस्ता आहिस्ता जो है मेल मिलाप होगा। अब ये दोनों जने जो हैं वो खा रहे हैं दाना, तो इनको जब मैं बंद करूँगा तो फिर ये एक ही जगह पे बंद कर दूँगा दोनों को, ताकि इनका जो जोड़ा है वो अच्छे से पक्का हो जाए। और मैं मादी दूसरी लगाना चाहता था इसके साथ, लेकिन ये मेरे ख्याल से इसने पहले का जोड़ा इसके साथ था, क्योंकि जब ये दिए थे भाई साहब ने तो मुझे पता नहीं था उन्होंने दे दिए हुए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था उसको देखे हुए मुझे इस छत पे। ये अब मंगवाया उन्होंने तो कल जब उन्होंने डब्बे में डाल के लाया तो फिर मुझे विश्वास हुआ हाँ जी ये कबूतर जो था वो दे के दिया हुआ था। और प्लस उन्होंने वीडियो भी भेजी हुई अपने छत की ना, शौकीन बंदे हैं वो बेसिकली ना, तो शौकीन ऐसे ही होते हैं वो, क्या कहते हैं बस यही कबूतर कभी रख लिए कभी दे दिए तो ऐसे ही होता है। वो भाई साहब के साथ मतलब ऑफिस में काम करते हैं तो उनको भी बहुत शौक है। ये देखें वो जाके बैठ गया जग्गा मादी के पीछे पीछे जा रहा पूरा, बोल रहा है जग्गे को भी पास चल गया उसके पुराने जाल का। जग्गा तू किधर चला गया है, तुझे तो जाना नहीं चाहिए था वहाँ पे, तेरी मादी तो ये है भाई। चले मैं इनको खोलता हूँ तो वो मादी का करते हैं कोई इलाज। यहाँ पर बिल्ली भी बहुत आती है यार, सबका तो एक थोड़ी है, बिल्ली भी बहुत आती है।
बिल्ली ने बहुत तंग किया हुआ है, रात भर बिल्ली जो है इधर फिरती रहती है और कबूतरों को करती तंग। वो लगा ले यार, कोई भी लगा ले जगह, वो वाली लगा ले, वो पहले की जाके बैठ गई वहाँ से। चलो चलो बाहर यार, स्यापा ही रहना तुम लोगों का, सिखाना पड़ता तुम लोगों को। चलो मुझे ना एक पतला डंडा रखना पड़ेगा ताकि इधर वाले कबूतर उधर, उधर वाले इधर आराम से चले जाएं। चलो चलो चल 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 चल, गलत टाइम पे जग्गा उड़ गया यार, जग्गे ने अपना वो पुराना जाल पहचान लिया, वो तो ठप्पे मार रहा है वहाँ पे, वो देखें ये देखें ठप्पे मार रहा है वहाँ पे, वो देखें ये देखें पहचान लिया उसने पहले इसको तो करूँ इधर, ये ऊपर चढ़ के बैठ गई हुई है, नीचे गिर गई तो काम खराब है। ऊपर का कोई चक्कर नहीं है, उधर चले जाओ वो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि नीचे अगर गिरी ना तो बिल्ली ने पकड़ ली तो फिर इधर चलना ही यार। देखो देख कहाँ जा रही है, तुझे मैं पकड़ ना लूँ, तुझे मैं पकड़ ना लूँगा, हाँ तुझे मैं पकड़ ना लूँगा चीनी वादी जी। कबूतर मैंने खोले थे और कुछ कबूतर यहाँ पे अंदर चले गए हुए हैं और ये एक दो कबूतर जो हैं बाहर घूम फिर रहे हैं, बाकी जग्गे डाकू ने तो कमाल कर दिया, यहाँ पे मैंने उसको खोला है और वो देखें उधर जाके थापे मार रहा है। दिखाऊँ आपको, ये लगा हुआ है जी, वो थापे मार रहा है, अब नीचे चला गया वो। तो भाई साहब रंग लगा रहे हैं उधर कबूतरों को आज, तो मैंने ऑरेंज कलर जो हमारा पुराना कलर है वही लगा रहे हैं इनको, एक एक पल्ले पे वो लगाएंगे, एक पल्ले पे कोई और लगाएंगे इस बार, क्योंकि कबूतर ऊपर से ना जो पहचाना नहीं जाता कई बार, ऑरेंज कलर जो होता है उतना विजिबल नहीं होता है दूर से, अगर डार्क भी लगा लें तब भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, उसके साथ कोई और कलर एक पल्ले पे और कलर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे बस बैठ के इनको सुकून से देखता रहता हूँ, इंजॉय करता रहता हूँ, तो इसको थोड़ा कवर भी करना है मुझे, तो कवर भी करके फिर मैं उसके बाद जो है ये मुझे लगता है इससे नीचे जोड़े छोड़े लगाएंगे। वीडियो मैंने एक दो बना के डाली है, वो भी आप देखिए ज़रा, वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर और अपना प्यार दीजिए, वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, बोलने में मेहनत लगती है और साफ़ सुथरा शो या साफ़ सुथरी वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, क्रिंज क्रिएट करने की या किसी को भला बुरा बोल के मैं भी व्यूज़ हासिल कर सकता हूँ, पॉपुलर हो सकता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती मुझे ये सब करने के लिए। 4 फीट का जाल हो या 40 फीट का जाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपकी फितरत, आपकी नेचर उससे। तो खैर हर इंसान जो है अपनी अपनी वो रखता है, सोच रखता है, तो खैर मेरी सोच यही है कि आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितना भी आप बड़ा नाम कमा लें, लेकिन अपना बाप नहीं भूलना चाहिए, बाप का मतलब अपना बेस नहीं भूलना चाहिए, तो कहाँ से हम आए हैं या क्या हमारा पीछे बैकग्राउंड रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंस प्ले करती हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं बेसिकली किसी भी इंसान की लाइफ में। तो जिन लोगों ने नया नया पैसा देखा होता है या नई नई फेम देखी होती है तो वो लोग ये सारे काम करते हैं दूसरों को गलत बोल के या कुछ भी। देखें ये मेरा 4 फीट का या 5 फीट का लगा लें जी, ये मेरा जाल है छोटा सा खुड्डा बनाने को, यहाँ पे मैं 400 फीट का भी बना सकता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, मेरी हैसियत है इतनी कि मैं 400 फीट का भी यहाँ पे इकट्ठा खड़ा कर सकता हूँ जाल, ठीक है। लेकिन वो हो गया दिखावा, सिंपल मैंने पहले भी कहा है वीडियोज़ में, तो दूसरी साइड चले जाएं मेरे परवाजी छत पे, वहाँ पे डबल डबल जाल है वहाँ पे बड़े बड़े, ठीक है, जितना एक रूम का साइज़ होता है उस साइज़ के वो जाल हैं, आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं उससे। तो खैर वो शौक़ नहीं है हमें बड़े बड़े टावर्स बना के या ऐसा कुछ, बस थोड़े से परिंदे रखने का शौकीन हूँ मैं, 10-15-20 इससे ज़्यादा नहीं, मुझे ना मैं पसंद किए मैंने कभी इससे ज़्यादा परिंदे, 5-4-5 जोड़े ब्रीडिंग के लिए और बस 8-10 कबूतर उड़ाने के लिए काफ़ी होते हैं, इंसान को अगर समझ हो परख हो बहुत होते हैं, ये जड़ लगा देना या ढेर लगा देना कबूतरों का, कबूतर की समझ ना हो, ढेर लगाते जाओ वो चीज़ फिर मैं पसंद नहीं करता हूँ। इनमें से भी आप कई कबूतर ऐसे देखेंगे जो मैं थोड़े दिनों तक, मतलब ये मैंने अभी जस्ट शुरुआत की है यहाँ पे, बाकी कुछ कबूतर यहाँ पे मैं रखूँगा कुछ नहीं रखूँगा, मैंने साथ में छोटा सा एक लॉफ्ट बनाना है, अभी लॉफ्ट जब बन जाएगा फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो कबूतर हैं अच्छे कबूतर जो
पड़े हुए हैं दूसरी छत पे, वो यहाँ पे लेके आऊँगा। ऐसे नहीं, क्योंकि ये केज है तो केज में फिर खैर कबूतरबाजी नहीं होती, छोटा सा केज है, विड कह लें लोग जो कहते हैं आजकल। तो चले मैं वीडियो करता हूँ वाइंड अप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन ये है कि जो भी बात मैं बोलता हूँ, मुझे इतना पता है मैं सही बात बोलता हूँ, मैं कभी किसी को गलत गाइड नहीं करता हूँ, ये मेरी लाइफ का एक मोटिव है। तो ये चपड़ा नर देखें, इसकी मादी उधर है, ये तड़प रहा है उधर जाने को, लेकिन इसको मैं नहीं भेजूंगा उधर, तू इधर ही रहेगा अभी थोड़े दिन, क्योंकि इसका जोड़ा तोड़ना था तो जिस वजह से इसको इधर लाया हुआ मैंने। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको मेरा कंटेंट भी पसंद आता होगा। चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।